क्वेश्चन नंबर 37। देखो सबसे पहले टू बैलेंस बीडी इट हैज गिवन इन योर क्वेश्चन ओपनिंग बैलेंस ऑन मार्च 31st 2020 मीन्स सेम बैलेंस विल अपियर ऑन अप्रैल 1st 2020। ठीक है तो यही जो पहले बैलेंस बीडी था वही जो लास्ट टाइम बैलेंस बीडी था वो इस बार बैलेंस बीडी हो गया यानी 31st मार्च 2020 को जो बैलेंस होता वही 1 अप्रैल को बैलेंस होता है। ठीक है तो अपन ने लिख दिया टू बैलेंस बीडी। फिर क्या दे रखा क्वेश्चन में इट सोल्ड ओल्ड फर्नीचर हैविंग बुक वैल्यू 20,000 ऑन 1st अप्रैल 2020। अब इस 2,20,000 में दो वैल्यू होगी एक 20,000 एक 2,00,000 ऐसा भी कर सकते हैं ये ए 20,000 डी 2,00,000 तो जिसकी वैल्यू 20,000 थी उसको अपन ने कब सेल किया December 31st। तो जब भी पढ़ा अपन ने डेप्रिशन वाले चैप्टर में जब भी अपन सेल करते हैं तो पहले क्या लगाते हैं डेप्रिशिएशन कितने महीने ये फर्नीचर अपने पास रहा। ठीक है तो अपने 9 मंथ का फर्नीचर लगाया फर्नीचर का डेप्रिशन 20,000 10% 9/12 1,500। तो December 31st को डेप्रिशिएशन से पहले इसकी बुक वैल्यू थी 20,000 रुपए 20,000 में से डेप्रिशन लग गया बाकी कितना रह गया 18,500। अब उसका 20% लॉस 3,700 तो सेलिंग प्राइस क्या होगी कि जितनी बुक वैल्यू है उसमें से लॉस हटा दो तो बाकी क्या रह जाएगा 14,800 या 22,000। अब इसके बाद एक और नया फर्नीचर खरीदा अक्टूबर में 1,50,000। अब दो फर्नीचर हो गए एक जो पहले से 2,00,000 का चला आ रहा है एक जो 1,50,000 है 2,00,000 जो रिमेनिंग फर्नीचर था उसपे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन 20,000 जो अक्टूबर में परचेज किया उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 7,500। तो बैलेंस सीडी 2,00,000 - 20,000 1,80,000 1,50,000 - 7,500 1,42,500। अब इनकम एक्सपेंडिचर में कितना डेप्रिसिएशन जाएगा 27,500 और 1,529,000 जो लॉस हो गया वो भी ट्रांसफर कर दिया लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 3,700। ठीक है और देखो किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या जहां तक अपन ने पढ़ा। करें आगे ओके नेक्स्ट इज फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग फर्स्ट व्हाट इज द फंड बेस अकाउंटिंग। फंड बेस अकाउंटिंग मींस फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट द फंड और वी हैव टू रिसीव द इनकम फॉर द स्पेसिफिक पर्पस एंड दैट इज टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर फॉर द स्पेसिफिक पर्पस। समझना फंड बेस पहले तो फंड बनाते क्यों है कोई फ्यूचर में कोई स्पेसिफिक काम करना है सपोज टूर्नामेंट अगर 2024 में कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करना है तो उसके लिए अपने पास क्या होगा कि हर साल पैसे आएंगे। हेलो 2024 में अपन को कोई टूर्नामेंट कंडक्ट करना है सपोज वर्ल्ड कप कंडक्ट करना है तो हम क्या करेंगे हर साल पैसे इकट्ठे करेंगे उस टूर्नामेंट के लिए। ठीक है
अब वो पैसा आएगा उसका क्या करोगे आप? अपने बैंक अकाउंट में रखोगे? और अगर बहुत ज्यादा टाइम है, जैसे अभी 2021 चल रहा है, 2024 में टूर्नामेंट है, तो 3 साल तक अपन क्या करेंगे? उसको एफडी कर देंगे या बाहर इन्वेस्टमेंट कर देंगे किसी शेयर्स में और किसी प्रॉपर्टी के अंदर, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं नहीं सबसे पहले कंसेप्ट समझो पहले तो, कि अपन फंड इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं? क्योंकि अपन को कोई स्पेसिफिक काम करना है। सपोज अपन को बिल्डिंग बनवानी है तो बिल्डिंग का फंड, एनुअल फंक्शन करना होता है, सपोज साल में 2 बार ऐसा कोई बड़ा फंक्शन करना होता है तो उस फंक्शन के लिए अपन पैसे इकट्ठे करते हैं। यानी किसी स्पेसिफिक पर्पज के लिए हम लोग पैसे इकट्ठा करते हैं, लोगों से डोनेशन लेते हैं, फिर जब तक वो काम नहीं होता है, टाइम नहीं आता है, तब तक हम क्या करते हैं? उस पैसे को बाहर कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं या एफडी में रख देते हैं। ये 2 लाइन समझ आई क्या? पहले सबसे पहले फंड इकट्ठा करते हैं और फंड को अपने पास रखते ही नहीं है, क्योंकि रखने से तो पैसा इकट्ठा हो, इस पर इंटरेस्ट आएगा नहीं, तो ज्यादा इंटरेस्ट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? या तो कहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, और जब अपन बाहर इन्वेस्ट करेंगे तो अपन को क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अब वो इंटरेस्ट जो आ रहा है अपने पास, ये अपनी रेवेन्यू इनकम है या उस फंड की इनकम है? फंड की इनकम। और फंड अपने लिए क्या है? रेवेन्यू रिसिप्ट है या कैपिटल रिसिप्ट है? कैपिटल है, क्योंकि इसको अपन यूज नहीं कर सकते ना। जैसे डोनेशन, 2 तरह के डोनेशन होते हैं, जनरल डोनेशन और स्पेसिफिक डोनेशन। तो जनरल डोनेशन को तो अपन यूज कर सकते हैं, पर जो स्पेसिफिक डोनेशन होता है उसको अपन हर किसी काम में नहीं ले सकते। तो ऐसे ही अगर किसी किसी अलग काम के लिए कोई फंड इकट्ठा कर रहे हैं तो उस फंड का यूटिलाइजेशन किसके लिए होगा? उस पर्टिकुलर काम के लिए होगा ना। पैसा तो अपन ने टूर्नामेंट के लिए लिया और अपन ने लोगों में कंबल बांट दिए, रोटियां खिला दी, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं कि उस फंड को इकट्ठा करते हैं, 2-3 साल तक इकट्ठा करते हैं, उसको इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। अब 2 चीज हो गई, एक हो गया फंड और एक हो गया उसका इन्वेस्टमेंट। फंड अपने लिए क्या है? असेट्स है, लाइबिलिटीज है, बिल्कुल लाइबिलिटीज है, क्योंकि उस फंड को हमें यूज करना होता है, बिकॉज दिस फंड इज टू बी यूटिलाइज्ड फॉर द स्पेसिफिक पर्पज। कुछ उस स्पेसिफिक पर्पज के लिए अपना एक तरह से फंड है। जब तक वो फंड, वो पर्पज पूरा नहीं होगा तब तक उस पैसे को संभालने की जिम्मेदारी हो रही है हमारी, तो हमारे लिए वो क्या है? लाइबिलिटीज है। अब उस फंड को अपन ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर दिया तो इन्वेस्टमेंट क्या होती है अपने लिए? असेट्स और लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट में असेट्स होती है, ठीक है। 2 चीजें क्लियर हो गई कि अपन फंड इकट्ठा करते हैं, फंड को बाहर इन्वेस्ट कर देते हैं। फंड अपने लिए क्या है? लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट अपने लिए क्या है? असेट्स, ठीक है। अब उस इन्वेस्टमेंट से जो पैसा आएगा वो किसकी इनकम? अपनी फंड की इनकम है या अपनी रेवेन्यू इनकम है? ये बात क्लियर है? फंड की इनकम। और फंड अगर लाइबिलिटीज है तो वो भी लाइबिलिटीज का ही पार्ट है, ठीक है ना भाई। हरी राम के बच्चे हैं तो किसके घर में रहेंगे? हरी राम के घर ही रहेंगे ना। तो अगर फंड का इंटरेस्ट है तो किस में आना चाहिए? फंड में आना चाहिए। अगर अपन ने 10 लाख रुपए टूर्नामेंट के लिए इकट्ठे किए और 1 लाख रुपए इंटरेस्ट आ गया तो टूर्नामेंट का टोटल फंड कितना हो गया? सही है ना बात? अभी तक सोच के देखो, जो चीजें मैंने आपको समझाई वो क्लियर है पहले, ठीक है। अब देखो 2 चीजें सबसे पहले लिखो, वेन फंड एंड इट्स इनकम इज मोर देन इट्स एक्सपेंसेस। अगर फंड और उसकी इनकम उसके एक्सपेंसेस से ज्यादा है
दस लाख रुपए इनकम फंड है, एक लाख रुपए उसका इंटरेस्ट है, 11 लाख हो गया और 4 लाख ही खर्च किए अभी तक, 7 लाख अपने पास ज्यादा है, तो फंड ज्यादा हो गए या एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए? अगर ये सिचुएशन है तो अपन को हमेशा शो करना पड़ता है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज। पहली बात क्लियर है, वेन फंड एंड इट्स इनकम इज मोर देन इट्स एक्सपेंसेस देन टू बी शोन इन बैलेंस शीट लायबिलिटीज साइड। ठीक है, अब अगर इसको उल्टा है कि फंड और उसकी इनकम कम है, खर्चा ज्यादा हो गया, तो फिर ये अपना एक्सपेंडिचर ज्यादा है, तो फिर हम क्या करेंगे इसको इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में शो करेंगे। पहले दो इक्वेशन समझ आई क्या, एक तो ये और एक ये। कुछ नहीं किया मैंने तो, वही किया कि अगर ये फंड और उसकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, यानी ये 11 लाख है, ये 4 लाख है, तो 7 लाख रुपए फंड ज्यादा हो गया, तो अभी बैलेंस शीट में शो करेंगे, क्योंकि फंड है तो फंड कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में जाता है। अगर उल्टा है कि अपना फंड तो कम है और एक्सपेंडिचर ज्यादा हो गया, तो फिर इनकम एक्सपेंडिचर में शो करेंगे, तो फिर उल्टा जाएगा इनकम, फिर बैलेंस शीट में नहीं जाएगा, फिर इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड। ठीक है, लिखो पहले जल्दी। हो गया एक मिनट, यस। अब देखो पहली अगर इक्वेशन है कि फंड ज्यादा है और उसकी इनकम कम है, फंड और उसकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर कम है, तो फिर बैलेंस शीट में आएगा। यह पूरा फॉर्मेट लिखना है पहली इक्वेशन के केस में, बैलेंस शीट, ये इसकी लायबिलिटी साइड, ये इसकी एसेट साइड। क्या लिखेंगे? सबसे पहले फंड एड डोनेशन और सब्सक्रिप्शन फॉर फंड एड इंटरेस्ट रिसीव ऑन फंड इन्वेस्टमेंट एट अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट लेस एक्स फंड एक्सपेंसेस। तो जो रिमेनिंग होगा उसको अपन यहां शो करेंगे, और इधर आता है केवल फंड इन्वेस्टमेंट, यानी उस फंड का जो बाहर अपने इन्वेस्टमेंट कर रखा हो, ऐड करेंगे अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट। अक्रूड का मतलब क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ अक्रूड, अक्रूड इंटरेस्ट? अर्न बट नॉट येट रिसीव, कमा लिया लेकिन मिला नहीं, ड्यू हो गया मिला नहीं, लिख लो इसको जल्दी से।
पहले लिख लो इसको, यही समझाना मुझे, पहले लिख लो एक बार पूरा लिख लो, ये पॉइंट ही मुझे समझाना है। एट इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, फिर लिखा है एट अप्रूव्ड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, अब सेकंड इक्वेशन, अगर हमारे पास ये सेकंड वाला पॉइंट है, फंड और इसकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, तो अपन को क्या शो करना होता है, इनकम एक्सपेंडिचर में, यहां लिखेंगे उल्टा, सबसे पहले आएगा फंड एक्सपेंडिचर, इसमें से लेस कर देंगे फंड, लेस कर देंगे डोनेशन और फंड, लेस कर देंगे इंटरेस्ट रिसीव ऑन फंड इन्वेस्टमेंट, यानी इस इक्वेशन को उल्टा कर देंगे, फंड एक्सपेंसेस में से सब चीजें, चारों चीजें लेस कर देंगे, लेस अक्रूड इंटरेस्ट ऑन फंड इन्वेस्टमेंट करो। फिर रिपीट कर रहा हूं, ये जो अपन ने इक्वेशन लायबिलिटीज में लिखा है, अगर ये सेकंड वाली इक्वेशन है, ये कि फंड और उसकी इनकम, सेकंड वाली कि फंड और उसकी इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, यानी फंड माइनस में हो गया, तो फिर अपन इनकम एक्सपेंडिचर में शो करते हैं, तो उसमें उल्टा लिख देंगे, ये फंड ज्यादा है इसलिए पहले आ जाएगा, ये बाकी चीजें उसमें से लेस हो जाएगी, लिखो। अरे असर सर तो वैसे ही रहेगा जैसा मैंने, सही है,
हो गया। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं, या डालू इधर से, टूर्नामेंट फंड 5 लाख, तुम्हें भी लिखना है साथ साथ क्वेश्चन। टूर्नामेंट फंड 8%, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव 22,000, और लास्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 1,00,000। पहला पॉइंट, टूर्नामेंट फंड 5 लाख रुपए, दिख रहा है टूर्नामेंट फंड 5 लाख, यार आज तो नजर नहीं आ रहा है, इसमें ब्लर है सब कुछ, अभी भी हो रहा ब्लर है। चलो टूर्नामेंट फंड 5 लाख, 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट 5 लाख, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट फंड 1 लाख, इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 22,000, और लास्ट है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3,50,000। इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 22,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 3,50,000। सबसे पहले तो ये देखो कि टूर्नामेंट फंड और उसकी इनकम ये ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब बैलेंस शीट में करना जो भी करना है। अब देखो सबसे पहले जो फंड है अपने पास कौन सा फंड है, टूर्नामेंट फंड कितना दे रखा है 5 लाख, डोनेशन कितना रिसीव हुआ 1 लाख, सारी इनकम को प्लस कर दें, इंटरेस्ट कितना रिसीव हुआ 22,000, 8% टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट कितना था 5 लाख, अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए, कुल मिलना चाहिए 40,000, और अपन को मिला कितना इंटरेस्ट है, तो बाकी 18,000 का क्या हुआ, अक्रूड है। तो ये अपन को हमेशा कैलकुलेट करना होगा कि अक्रूड कितना है, कई बार अक्रूड दे रखा हो तो अपन को इंटरेस्ट कितना मिल गया वो निकालना पड़ेगा, तो टोटल इंटरेस्ट बन कितना रहा 40,000, मिला कितना 22, कितना नहीं मिला 18,000 अक्रूड। ये अक्रूड को यहां भी ऐड करना है, यहां भी ऐड करना है, अब ऐसा क्यों कर रहे हैं पहले समझो, अपन ने किसी बैंक में जमा करा रखे 5 लाख रुपए और उससे 18,000 रुपए इंटरेस्ट भी लेना बाकी है, तो टोटल अपन को उस बैंक से कितने रुपए लेने बाकी है, सही है ना। अगर 5 लाख की एफडी कराई और वहां से 18,000 रुपए इंटरेस्ट भी मिलना बाकी है तो टोटल लेना कितना बाकी है बैंक से,
तो ये क्लियर हो गया कि अपन ने ईएफ टू प्लस किया। और इलेवंथ क्लास में भी अपन क्या करते थे कि जितना भी अक्रूड होता है उसको अपन इन्वेस्टमेंट में प्लस करते आ रहे थे, इन्वेस्टमेंट एड अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट कि इसको लायबिलिटीज में क्यों प्लस कर रहे हैं, तो तुमने खुद ने कहा कि ये फंड की इनकम है तो फंड में जानी चाहिए। अगर ये टूर्नामेंट फंड का इंटरेस्ट है तो जाना किसमें चाहिए, टूर्नामेंट फंड में या इनकम एक्सपेंडिचर में? टूर्नामेंट फंड में, इसलिए अपन ने अक्रूड को यहां भी ऐड किया क्योंकि ये इसकी इनकम है, या इसलिए ऐड किया बिकॉज दिस इज टू बी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब ये क्लियर हो गया कि दोनों तरफ क्यों प्लस कर रहे हैं। अब लेस करेंगे टूर्नामेंट फंड एक्सपेंसेस 3,50,000 माइनस, टोटल करो 5,60,640 में से 350 लेस, तो ये आ गया अपने पास 2,90,000। इधर हो जाएगा ये 5,18,000। देखो एक बार क्लियर है क्या ये बात? ये सबसे आसान है, बस थोड़ा समझने की जरूरत है। हो गया। अब देखो क्वेश्चन निकालो। आप सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 1.60 मिल गया, बहुत आसान वाला है। स्टेट हाउ विल बी द प्राइजेज अवार्डेड 5,000 शोन वाइल प्रिपेयरिंग फाइनल अकाउंट ऑफ द क्लब फॉर द ईयर एंडेड मार्च 31, 2021। अब देखो प्राइजेज अवार्डेड, इनाम दिए, इनाम के लिए फंड भी बना होता है। अभी अपने पास फंड दे रखा है क्या? नहीं है। मीन्स फंड इज जीरो, फंड एंड इट्स इनकम इज जीरो, but expenditures are 5,000, then first or second which equation is to be applicable, to be applied? Second, यानी हमारे पास खर्चे ज्यादा है, इनका फंड है ही नहीं हमारे पास, तो कहाँ शो करेंगे? इनकम एक्सपेंडिचर, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर यहां लिखेंगे टू प्राइजेज अवार्डेड 5,000। सिंपल, फंड नहीं दे रखा है, सीधा एक्सपेंसेस दे रखा तो फंड जीरो हो गया, तो एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए। अगर एक्सपेंसेस ज्यादा है तो कहां लिखना है? इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सपेंसेस। ये बात क्लियर है क्या? पहले जल्दी करो, आधे मिनट में खत्म हो जाना चाहिए, एक लाइन लिखनी है। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखो,
टूर्नामेंट फंड दे रखा है 80,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है 14,000। अब बताओ ये फर्स्ट इक्वेशन है या सेकंड? केवल टूर्नामेंट फंड दे रखा है, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा है। तो ये बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में ये दिखना नहीं है, बाकी सब कुछ मैं मिटा नहीं रहा हूं। फंड कितना है अपने पास? 80,000। ये सब तो है ही नहीं हमारे पास। अब टूर्नामेंट एक्सपेंसेस कितना दे रखा है? 14,000। 66,000 वो है ही नहीं अपने पास इन्वेस्टमेंट। जो नहीं जाए तो लिखना भी नहीं है, अपन नहीं लिखनी है, जो है वो ही लिखना है। सीधा लिखना है टूर्नामेंट फंड 80,000 लेस टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 14, 66,000 बस। क्लोजिंग में, क्लोजिंग इस साल की जो बैलेंस शीट बनती है वो तो क्लोजिंग ही होगी, पिछले साल की बैलेंस शीट बनाती बनानी होती है तो वो ओपनिंग होती है। हो गया सबका? निकालो इसके बाद वाला क्वेश्चन। अब दे रखा है टूर्नामेंट फंड 50,000, टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 15, रिसीव फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट 20,000। अब देखो टूर्नामेंट फंड भी दे रखा है, उसकी इनकम भी दे रखा है, उसका एक्सपेंसेस भी दे रखा है। तो पहले तो देखो कि इनकम ज्यादा है, फंड और उसकी इनकम ज्यादा है या एक्सपेंसेस ज्यादा है? तो कहां शो करना? बैलेंस शीट में, इनकम एक्सपेंडिचर में।